गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या हुआ गौरव, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? सो बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आज का हमारा टॉपिक है। गुड मॉर्निंग आशीष सर। ठीक है, सारे लोग आ गए या वेट करें थोड़ी देर? हम देखो सर, हमारी इकोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं, उन्हें भी हमारी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है ना सर? हाँ, रुक जाती हूँ मैं। अच्छा है ना मेरा इमेज? गुड मॉर्निंग महेश्वरी। स्टार्ट करे? ये ज्यादा बच्चे दिख नहीं रहे हैं मुझे। अभिषेक है, पल्लवी है, नेहा। नेहा गुड मॉर्निंग। जी ओके 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 ओके, स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, आपके लिए एक और आज बिग सरप्राइज है, यू नो व्हाट। चलो, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं। एक गौरव, नेहा को चिढ़ाओ मत, ठीक है? क्लास में आना बंद करवा दूंगी आपका मैं। चल, आज कौन सी कलर की पेन ले? कौन सा दिखेगा इस पे? ब्लू। ओके हाँ, चलो ठीक है। बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, तो बायोडायवर्सिटी हमने सरप्राइज बताओ सर, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों के लिए लेक्चर खत्म होते होते पता चल जाएगा इनको क्या सरप्राइज है। सरप्राइज से नफरत हो गई है? नहीं, मेरा वाला अच्छा लगेगा नेहा। इनफैक्ट सरप्राइज से ज्यादा शौक है, ठीक है ना? पहले ही बता दूं, बी प्रिपेयर्ड। ओके नाउ लिसन, क्या था हमारा बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना? तो हमने क्या पढ़े थे? सबसे पहले हमने इकोलॉजिकल हायरार्की में क्या पढ़े थे? दैट इज, एक इंडिविजुअल रहता है ना, एक इंडिविजुअल रहता है। उसके बाद क्या रहता है? एक पॉपुलेशन है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हमने क्या बोला था? पॉपुलेशन। देन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हमने तो बोले थे बायोलॉजिकल कम्युनिटी। हैंडराइटिंग मेरी है, मेरी पीपीटी है तो मेरी हैंडराइटिंग है, ठीक है? पॉपुलेशन को हमने बोला था बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी को हमने कहा था इकोसिस्टम, ना? फिर इसे हमने कहा था बायोडाइवर्सिटी, बायोस्पियर, है ना? बायोस्पियर हमने कहा था। सो तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी इज ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना? दिस इज वेरी इजी चैप्टर इनफैक्ट, ठीक है? जस्ट सुनो थोड़ा सा कि क्या है, क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम को हमने कहा है बायोडाइवर्सिटी, है ना? उसमें क्या रहेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने मिलेगी हमें, स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने मिलेंगी, या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज देखने मिलेंगे हमें। गुड मॉर्निंग श्याम, बहुत दिनों बाद दिख रहे मुझे श्याम का मैसेज। तो
क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जहाँ पे हमें डिफरेंट वेरिएशन दिखने मिलेगा, डिफरेंट वेरिएशंस देखने मिलेंगे। बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, ठीक है। तो एक स्पीशीज के अंदर जितने भी जीन्स में वेरिएशन आएंगे, दैट इज अवर जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक स्पीशीज के जीन्स में जितने भी वेरिएशन आएंगे, वो डिफरेंट अलील्स हो सकते हैं ना, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं किसी स्पीशीज में, तो दैट इज अवर जेनेटिक डाइवर्सिटी। आर यू गेटिंग इट, है ना, दैट इज अवर जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक प्लांट है रोवोल्फिया करके, ठीक है, इनकी अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये बहुत वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, ठीक है, बहुत वाइड रेंज दिखाते हैं। इंडिया में हमारे पास कितने जेनेटिकली डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना, यानी 50,000 हमारे पास राइस के स्ट्रेन्स है, राइस के स्ट्रेन्स हमारे पास 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, सो दैट इज जेनेटिकल डाइवर्सिटी, है ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी की हम बात करें, उनके जीन्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। ना वैसे ही हो गए हमारे स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना, जैसे जैसे हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वैसे हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी होंगी। इसका पीडीएफ आपको मिला है, ये जो चैप्टर है इसका पीडीएफ आपको मिला है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे डाल दिया था, बट आपको अगर नहीं मिल रहा हो तो मैं ये फिर से सेंड करती हूँ, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा के इतने सारे पॉइंट्स है, यानी आपको याद करने हैं बहुत सारे टेबल्स, राइट, तो वो ये टेबल्स का पीडीएफ मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है, ये पूरा एंटायर पीडीएफ मैं आपको भेजती हूँ, बाकी स्लाइड भी भेज देती हूँ मैं आपको, ठीक है, क्लास होने के बाद भेजती हूँ मैं। ना स्पीशीज डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे तो डिफरेंट वेराइटीज एंड नंबर ऑफ स्पीशीज इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना। जैसे वेस्टर्न घाट्स देखते हैं हम, उसमें बहुत सारे एम्फीबियन स्पीशीज हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। देन देयर कम्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि नंबर ऑफ नाइशेस, है ना, नंबर ऑफ नीशेस, ट्रॉपिक लेवल्स, जितने भी ये, दिस इज अवर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट सस्टेन एनर्जी फ्लो, फूड वेब्स एंड द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके नेहा, आई विल सेंड यू द पीडीएफ एंड दिस पीपीटी, आई विल सेंड यू, ओके, अगेन मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, बट आई विल सेंड यू अगेन, ठीक है। सो वट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ नीशेस और ट्रॉपिक लेवल्स और वेरियस इकोलॉजिकल फूड वेब्स प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, फूड वेब्स, एनर्जी फ्लो, दिस आर ऑल अवर डिफरेंट, जो बहुत डाइवर्सिटी इन द सेंस बेटा डिफरेंट थिंग्स, राइट, डाइवर्सिटी इन द सेंस डिफरेंट थिंग्स। टेस्ट का बताती हूँ मैं धनंजय आपको, ग्रुप पर डालती हूँ मैं कब है टेस्ट, ठीक है। सो दैट इज अवर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वी टॉक अबाउट। नाउ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस डाइवर्सिटी, राइट, जब बात करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, एक पैटर्न होता है दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पैटर्न, राइट, दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पैटर्न। इसमें क्या होता है, सी ये हमारी अर्थ है, लग्री के अर्थ जैसे, एक मिनट, सो दिस बीच में का जो पोर्शन है, दिस बीच में का पोर्शन इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन, है ना, एक सेकेंड होल्ड, बस एक मिनट दो मुझे। सो दिस ये बीच में का जो, गुड मॉर्निंग हिमांशु, जो बीच का पोर्शन है दैट इज ट्रॉपिकल रीजन, है ना, इसके ऊपर आता है हमारा टेम्परेट रीजन, दिस इज अवर टेम्परेट रीजन। ये जियोग्राफी में पढ़े होंगे आपने 10th तक के, और यह ऊपर में जो रहता है वो पोलर रीजन रहता है हमारा, है ना। सो बेसिकली ये जो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट का एक्चुअल में मतलब ये है कि
क्या हो जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन पे हमें ज्यादा वेराइटीज, ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने मिलती है, ठीक है। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो स्पीशीज कम होने लग जाती है, जो डाइवर्सिटी होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट शो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, बट शो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। So this uneven distribution and pattern of diversity is known as latitudinal gradient in diversity, right? Latitudinal gradient in diversity. Now, in general, the species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. अगर हम ये equator अगर हम मान रहे यानी है ये equator है, यहाँ से अगर हम pole के तरफ जा रहे हैं, this is the pole region, right? अगर हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज होगी, बिकॉज पोलर रीजन पे जनरली ठंड देखने मिलती है हमें, है ना, वहाँ पे सनलाइट का थोड़ा सा कम रहता है, तो यहाँ कैसे हमारी बहुत गिनी चुनी स्पीशीज ही सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। पर ट्रॉपिकल रीजन में हाँ धूप, बारिश, ठंड सब एक समान होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने मिलती है, ठीक है। सो आपको याद क्या रखना है, डिक्रीजेस, है ना, द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की, है क्या सर हमारे की लेफ्ट हो गए, उनकी बहुत जरूरत है आशीष सर, ओके चलो जान दो, वैसे भी बायोलॉजी में इतना कुछ पूछते नहीं है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने निकाला था, ठीक है, दिस वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किए थे, दिस ही इज अ जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, राइट, इज जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। इन्होंने क्या किया, साउथ अमेरिका के जंगल में जाके कुछ तो एक्सप्लोर किया, ठीक है। अब उन्होंने जो भी एक्सप्लोर किया, उन्होंने ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज में डाला है जो हम बायोलॉजी में नहीं पूछते हैं, बस एक छोटा सा एज अ याद करके रख लीजिए, ये सॉल्व करने के लिए वगैरह नहीं पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फाइंड किया, एक ग्राफ के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। यहाँ पे था स्पीशीज रिचनेस, यहाँ था स्पीशीज रिचनेस, और यहाँ था एरिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा ऐसा कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाते हैं, नाउ सपोज कि ये एक एरिया है, ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो आपको थोड़ी सी स्पीशीज देखने मिलेंगे, हार्डली 2-3-4 अलग अलग, लेकिन आप और थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्पीशीज देखने मिलेंगी, इससे तो ज्यादा ही देखने मिलेगी, ठीक है, ये फर्स्ट वाले से तो ज्यादा ही देखने मिलेगी। अगर आप फिर एक्सप्लोर करते हैं तो इससे आपको और ज्यादा देखने मिलती है, तो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस, कि जो हमारे स्पीशीज रिचनेस है वो हमारे बढ़ते जाते हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है। सो इन्होंने इस कर्व को बोला है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है, ठीक है। सो हमारा जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है वो किस तरह से दिखता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इतना ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, ये कुछ आपको लॉग वगैरह सॉल्व करने नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं करने बोलेंगे, दैट इज वो आपको पूछेंगे कि कर्व कैसा रहता है, इतना क्लियर है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें डिफरेंट स्पीशीज की रिचनेस पता चलेगी कि कितने स्पीशीज है आगे चल के, ठीक है। दिस इज द कर्व, राइट। अगेन एक और चीज यहाँ पूछी जा सकती है कि व्हाट इज जेड, व्हाट इज जेड रिप्रेजेंट हियर, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। दिस इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको बस एक कर्व का ही नाम पूछा जाएगा हियर कि कौन सा कर्व है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू नीड टू रिमेम्बर दिस ओनली। नाउ टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अगर हम इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की अगर बात कर रहे हैं तो देर आर थ्री टाइप्स, है ना, थ्री लेवल्स में हमने उन्हें डिवाइड किया है, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अब ये क्या होता है हम देखेंगे, ये पढ़ के बताती हूँ मैं आपको कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ नीशेस, राइट, अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ नीशेस, ट्रॉपिक लेवल्स एंड वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक एनर्जी फ्लो, फूड वेब्स एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, अभी हमने पढ़ा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने कहा था, राइट। डाइवर्सिटी क्या हेल्प करती है हमें कि मोर दैट इज एक स्टेबल एनवायरनमेंट हमारे लिए बना के देती है। नाउ इमेजिन एक जंगल है, ठीक है, यहाँ एक लायन है, उसके पास सिर्फ एक ही शिकार है खाने के लिए, बस डियर 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 डियर। अब जब डियर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। सो दैट इज वाई वी नीड डाइवर्सिटी, कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए फीड करने के लिए, है ना, वैरायटी होनी चाहिए, है ना, एक से किसका मन भरता है, वैरायटी होनी चाहिए, दैट इज। तो बात ऐसी हो रही है कि हमें डाइवर्सिटी की जरूरत क्यों है, एक स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए, है ना, स्टेबिलिटी के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम की, स्पीशीज की डाइवर्सिटी, राइट। नाउ हमने इसे तीन हिस्सों में बांट दिया है, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्फा डाइवर्सिटी, इट इज डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, हमने याद करो डिफरेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज डिफरेंट पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो अगर उनमें डाइवर्सिटी दिख रही है तो दैट इज अवर अल्फा डाइवर्सिटी, ओके। इट रिफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम कम्युनिटी और हैबिटेट, mainly we are talking about habitat in this, okay, so this is our alpha diversity, agar within community hum diversity dekh rahe hai to, theek hai, agar bahut sare communities ke beech ki diversity agar hum dekh rahe hai, bahut sare community ke beech ki diversity is known as beta diversity, alpha diversity ek community ke beech ki diversity, beta is wide ranges of communities, राइट, वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटीज में अगर हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द सेंस डिफरेंस देख रहे हैं, वेरी यानी बहुत सारी स्पीसीज देख रहे हैं, दैट इज अवर बीटा डाइवर्सिटी। एंड गामा डाइवर्सिटी इज रिफर्स टू हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया, एक टोटल लैंडस्केप या किसी जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो दैट इज अवर गामा डाइवर्सिटी। इतना क्लियर है? अरे आप लोग हो या नहीं हो, मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है आप लोगों का, सो मुझे समझने में मुश्किल हो जाएंगे, आपको समझ रहा है या नहीं। अरे कमेंट्स क्यों नहीं लिख रहा मुझे? ओ ओके ओके ओके, सॉरी 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 सो मच, मैंने आपके बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं देखे, मुझे आए ही नहीं। गौरव मैं इग्नोर नहीं कर रही बेटा, मुझे कमेंट्स दिखना ही बंद हो गए, ठीक है। ओके आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ ओंकार आप प्लीज अपना नेट चेक करिए, बिकॉज सबको तो वॉइस आ रही है। नहीं मैं बोलूं मेरे क्लास के बच्चे चकलस नहीं कर रहे, से शांति से ऐसे कैसे बैठे हैं, तो मिसिंग लग रहा था मुझे, मेरा ही पता नहीं डेट प्रॉब्लम दिया तो। अच्छा एक और चीज आपको बतानी है जो साइड में इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस, ओके, दैट इज रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस, कुछ अटका नहीं है। अच्छा अब क्लियर है, अटक नहीं रहा है, मेरी वॉइस आ रही है क्या, सब बताओ प्लीज। हो सकता है यहाँ भी नेटवर्क इंफ्लुएंस हो रहा हो, पता नहीं। ओके
क्लियर क्लियर ओके चल इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है? आपको रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस एक्चुअल में है क्या, ये हमें पॉल एलरिच ने दिया था, ठीक है? पॉल एलरिच एलरिच ओके पॉल एलरिच ने दिया था हमें ये हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या कहा, नाउ सी ही कंपेयर्ड द रैबिट, रैबिट एक एनिमल का नाम है, ठीक है? इट इज एन एनिमल, रैबिट इज एन एनिमल। ही कंपेयर्ड दैट एनिमल टू एरोप्लेन, ही कंपेयर्ड दैट एनिमल टू एरोप्लेन, ठीक है? मेरा प्लेन ठीक है, हाँ चल कोई बात नहीं, यहाँ पे खिड़कियां भी बना देंगे हम। सो ही कंपेयर्ड, बस ट्रेन नहीं मिली, ठीक है? ही कंपेयर्ड दिस रैबिट टू एरोप्लेन, राइट? नाउ उन्होंने क्या कहा है कि सिंपल से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना जाते हुए मैं एक सिंपल से बताती हूँ कि अगर ये जो रैबिट है, ये एक हमारा बहुत सारा रैबिट मिलके बना रहे हैं, रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस, अरे यार रैबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ओके रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस। नाउ दिस मेनी रैबिट्स, बहुत सारे रैबिट्स मिलके एक प्लेन बना रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे रैबिट्स मिलके एक प्लेन बना रहे हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है, पैसेंजर्स आ रहे हैं लाइक अस, है ना? पैसेंजर्स आ रहे हैं, हमें लगा ये कितनी क्यूट है, मैं एक घर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? ये कितनी क्यूट है, मैं एक घर पे लेके जाता हूँ, ऐसा वाला चल रहा है हमारा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग ओंकार, तो क्या हो जाएगा, ये एक 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 डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, राइट? अब प्लेन है, हवे में उड़ रहा है, एक हमारा समझो एक इकोसिस्टम है, ठीक है? दैट इज इन डेंजर नाउ, है ना? एक एक लेके जा रहा है, अगर सारे हिस्से सबको ही लेके चले गए घर में, क्यूट रैबिट बोल बोल के, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो द रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस इज नथिंग बट दिस रैबिट इज कंपेयर्ड विथ एरोप्लेन, राइट? दिस रैबिट इज कंपेयर्ड विथ एरोप्लेन। सो कैसा था कि उन्होंने क्या बोले है, कोई नहीं लेगा 100 में, ठीक है? सो द पॉल एलरिच हैज प्रपोज्ड अ रैबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस फॉर द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑन द इकोसिस्टम, राइट? एंड एरोप्लेन लाइक एन इकोसिस्टम, एरोप्लेन को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम की बात हो रही है, ठीक है? एरोप्लेन को हमने किससे कंपेयर किया, इकोसिस्टम, ठीक है? हैज थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स, इसमें हमारे थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स होते हैं, यानी कि थाउजेंड ऑफ स्पीशीज होती है ना? अगर हम उसे रिमूव करते जाएंगे तो हमारा इकोसिस्टम एंटायर बिगड़ जाएगा, राइट? नाउ अगर हम किसी जैसे विंडो से वगैरह हम उठा रहे हैं, यानी कि ऐसा नॉट सो इम्पोर्टेंट जगह से अगर हम या फिर नॉट सो इम्पोर्टेंट स्पीशीज को अगर उठा रहे हैं, देन कोई उतना डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सीधे सीधे इंजन है हमारी और उसी को उखाड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, आप सबको पता है, ये पूरा का पूरा प्लेन क्रैश कर जाएगा, राइट? So the removal of rabbit species by passenger may not affect flight safety in the beginning, but the plane will become dangerously weak over a period. Oh, right. बीच में अब starting में अगर आप एक 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 window हटा रहे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एक बड़ी सी बहुत सारा एक साथ इतना सारा अगर हमारा जो species diversity है वो lose हो जाए, तो हमारा over period of time क्या हो जाएगा कि हमारा ecosystem जो है वो काफी weak होने लग जाएगा, right? लेकिन अगर मेजर पार्ट से अगर हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, तो वो तो एंटायरली फट से हमारा इकोसिस्टम पूरा बिगड़ने लग जाएगा। तो दिस इज द रैबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस। नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली बहुत सी लॉस हो रही है, ये चीज आपको भी पता है, ठीक है? अच्छा IUCN क्या करते, अरे यार पैसिफिक आइलैंड में जब हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ था ह्यूमंस का, ठीक है, जब ह्यूमंस पैसिफिक आइलैंड में रहने चले गए, तो उनके वजह से कितने 2000 स्पीशीज वहां के, 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए। कैन यू इमेजिन, इतने सारे हमने तबाही करके रखी है,
ठीक है, द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू एन एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स. अच्छा व्हाट इज नेटिव बेटा, व्हाट इज नेटिव श्याम, व्हाट इज नेटिव, यू नो व्हाट इज नेटिव राइट? ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलते हैं और कहीं और नहीं मिलते हैं, है ना, ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही पाए जाते हैं और कहीं और नहीं पाए जाते, दैट इज नेटिव बर्ड्स. तो ऐसे हमने 22,000 स्पीशीज, एंटायर स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करवा दिया. हाँ वहीं के रहवासी, हाँ बेटा वहीं के रहवासी होते हैं और वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज नेटिव. नाउ द IUCN है ना हमारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वी टॉक अबाउट, उन्होंने एक रेड लिस्ट बनाई है, ठीक है, कहाँ हम रेड डेटा बुक जो रहता है हमारा वहाँ हम देखते हैं, ठीक है, रेड लिस्ट होती है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर कौन से एक्सटिंक्ट होने वाले, कौन से ओके ओके से है, वल्नरेबल है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बनी होती है, ठीक है, कौन बनाता है, IUCN बनाता है, ठीक है, कौन बनाता है, IUCN बनाता है. सो IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हमने एक्सटिंक्शन कितना कितना ज्यादा है, 784 स्पीशीज है ना, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है, 87 प्लांट्स है, कितने 500 साल में हमने एक्सटिंक्ट करवा दिए है अभी तक के. ओके सो द इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ हियर इज कि कौन से एक्सटिंक्ट है एनिमल्स है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज डोडो है ना, मॉरिशियस के डोडो, क्वागा अफ्रीका के, थाइलासन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ रशिया, एंड थ्री स्पीशीज लाइक बाली जावान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर, दिस आर नाउ एक्सटिंक्ट, राइट, दिस आर नाउ एक्सटिंक्ट. सो ये एज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है. पिछले 20 साल में ही हम देख रहे हैं 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है हमारी वजह से, ह्यूमंस की वजह से मोस्ट प्रोबेबली. तो ओके सो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट डेटा, ठीक है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट नहीं है, इतने ये है, इतने वो है, ठीक है, दिस इज ऑल रीडेबल, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू इन द PDF और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आई गेस, तो मैं PDF फॉर्मेट में आज भेजती हूँ आपको. सो दिस इज वेरी रीडेबल, आई विल गो थ्रू कंसेप्ट्स, ठीक है, मैं कंसेप्ट्स पे जाती हूँ, ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो हम रहने देते हैं, मैं आपके तरफ छोड़ती हूँ लर्न करने वाले चीजें. मुझे फिर से कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, या आप कमेंट्स कर नहीं रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है. नाउ talking about types of extinction, right, now talking about types of extinction, we have three types of extinction. First natural, ठीक है, एक natural extinction होता है, that is कि किसी भी environmental condition की वजह से species extinct हो रही है, किसी भी environmental condition change होने के वजह से species extinct हो रही है, जैसे हमारे dinosaurs है ना, वो लोग इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज होने की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए थे, तो दैट इज नेचुरल एक्सटिंक्शन है ना, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है, दैट इज नेचुरल एक्सटिंक्शन, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से. सो सम स्पीशीज डिसअपियर, जब कुछ देखो एक जैसा होता है कि सपोज यहाँ धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई हो एक पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ रहते हैं एक ऐसे स्पीशीज जिनको धूप पसंद नहीं और एक ऐसे स्पीशीज जिन्हें धूप बहुत पसंद है, ठीक है, अब धूप बढ़ जाएंगी तो ये वाले तो हमारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाले तो बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इन्हें तो पसंद है, इनके हिसाब का अगर इन्हें एनवायरमेंट मिल रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा हमारे इसमें पाए जाएंगे, वहां पे अडेप्ट हो जाएंगे. सो दैट इज सम स्पीशीज डिसअपियर एंड अदर विच आर मोर अडेप्टेड टू द चेंज कंडीशन टेक देयर प्लेस, राइट. तो क्या हो जाएगा, जो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाते वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो कर पाते वो वहां उनकी जगह ले लेंगे, ठीक है. पास्ट में जितने भी हमारे एक्सटिंक्शन हुए हैं, नेचुरल एक्सटिंक्शन हुए हैं, ठीक है, पास्ट में जियोलॉजिकल पास्ट की बात होगी, सो वी कॉल इट एज अ बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन,
we call it as a background extinction. Then मास एक्सटिंक्शन की बात करेंगे तो बहुत सारा नंबर ऑफ स्पीशीज एक साथ एक्सटिंक्ट हो रही है ड्यू टू कैटास्ट्रोफ. कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होगा, लाइक डिजास्टर. वी टॉक अबाउट डिजास्टर है ना, किसी डिजास्टर यानी इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड कैजुअली आई मीन यूजुअली सडन डैमेज. ओके, सडन डैमेज अगर कॉज कर रहा है, लाइक कोई डिजास्टर अर्थक्वेक आ गया एंड उसमें अगर हमारी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज अगर डिस्ट्रॉय हो रही है, तो दैट इज मास एक्सटिंक्शन. इतना क्लियर है? देन देयर इज अ एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. ओके, क्लियर है क्या? प्लीज मेरे को प्लीज कमेंट कर किया करो, वरना मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा. आपको समझ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं समझेगा. एटलीस्ट वाई लिखो. हाँ मृणाली, थैंक यू. ठीक है, सो नेचुरल एक्सटिंक्शन अगर अर्थ के इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के वजह से हो रहा है, दैट इज नेचुरल एक्सटिंक्शन. अगर डिजास्टर्स के वजह से स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो रही है, दैट इज मास एक्सटिंक्शन. ओके, थैंक यू श्याम. गौरव एंड भारती. भारती भारती कौन है ये, मुझे नहीं पता कौन है ये. नेहा. ओके, लिव. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन में क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से अगर हमारे स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. राइट, लाइक हंटिंग, सेटलमेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये हमारे ह्यूमंस के काम है. इसके वजह से अगर हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, दैट इज काइंड ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. नाउ इतना क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं. Talking about causes of biodiversity loss, है ना? सबसे पहला है habitat loss. जैसे जैसे हमारी population बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे हमारी population आगे बढ़ते जा रही है, हमें और भी चीजें लगेगी, है ना? जैसे ज्यादा area लगेगा industrial development के लिए, लगेगा agriculture के लिए area लगेगा, नए road लग रहे हैं, canals, dam, नई cities, ये सारी चीजों के लिए क्या लगेगा, हमें हैबिटेट लगेगा, है ना, आई मीन लैंड लगेगा. तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर देते हैं, है ना. दामिनी दामिनी, ओके बेटा कोई बात नहीं, सॉरी. अरे मुझे नहीं पता था, मैं किसी को सरनेम से नहीं जानती ना, इसलिए कोई बात नहीं. ठीक है, तो दैट इज अवर हैबिटेट लॉस, है ना. सीधे सीधे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. ठीक है, हम कॉजेस पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के, तो दैट इज हैबिटेट लॉस के वजह से. नाउ व्हाट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, व्हाट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट इनटू स्मॉलर पैचेस. ठीक है, एक बड़ा सा अगर एरिया है, उसे हमने छोटे पैचेस में उसको अगर ब्रेक कर दिया है, लाइक दिस एंटायर फॉरेस्ट है, यहाँ पे हमने बीच में ही कुछ डैम बना दिए है, या यहाँ पे कुछ हमने बिल्डिंग लगा दी है, इसी कुछ एग्रीकल्चर करने लग गए, तो दैट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. राइट, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट इनटू स्मॉलर पैचेस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर बॉडीज एंड अदर थिंग्स, दैट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. दिस कॉजेज लॉस इन बायोडाइवर्सिटी. नाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी लूज हो रही है. लाइक किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है, नाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीशीज रिड्यूसेस द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जैसे कि अगर हम बहुत सारी हंटिंग कर रहे हैं, किसी एक स्पीशीज को ही हम मार रहे हैं, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, अति कर रहे हैं. जैसे हम डिसेक्शन अभी क्यों नहीं करते, बिकॉज पहले इतना सारा डिसेक्शन के चक्कर में इतने सारे फ्रॉग्स को किल किया गया था, कि दैट इज वाई दैट इज बैन, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, इतना तो नहीं करना चाहिए. हाँ बेटा मैं कॉलेज में हूँ, क्यों? एक कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, इवन दिस कॉज दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, लिमिट में करना चाहिए जो भी कर रहे हैं हम. लालच, लालच बुरी बला होती है, राइट. सो नाउ एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एलियन स्पीशीज, राइट, एलियन स्पीशीज क्या हो जाएगा, ऐसी स्पीशीज जो वहां की नहीं है लेकिन कहीं और से आ रही है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक पार्थेनियम है. ठीक है, हमारे यहाँ एक पार्थेनियम करके वीड है. ठीक है, दिस इज अ वीड,
ये हमारे देश में आ गया, कहाँ से आया, दैट आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट दैट, बट कहीं से आया है, दैट इज एलियन स्पीशीज, और आते ही अपने आसपास के जितने भी पेड़ रहते हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देता है और वो खुद उसकी जगह ले लेता है. तो दैट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन दैट कॉजेज लॉस इन बायोडाइवर्सिटी. देन टॉकिंग अबाउट को एक्सटिंक्शन, है ना, when a species become extinct the plant and animal species associated with it also become extinct, hai na. Agar ek hamara imagine ki lion hai hamara jo sirf ek deer pe feed kar raha hai aur deer puri tarah extinct ho jayenge to lion bhi puri tarah extinct ho jayenge, that is co-extinction. Okay, ये सारी चीजें हमारे बायोडाइवर्सिटी के लॉस करने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ना. टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का तो हमें कंजर्व भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, कंजर्व भी करना पड़ेगा. सो हम देखते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी ना, द रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मेन रीजन क्या होते हैं, तीन पोर्शन में होता है, दैट इज एक नैरो यूटिलरियन, ओके, एक ब्रॉड यूटिलरियन होता है और एक एथिकल रीजन होता है. ठीक है, दिस आर सम रीजन जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं. नाउ नैरोली यूटिलरियन रीजंस क्या होते हैं, अच्छा ये सब तो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ. ठीक है, नैरोली यूटिलरियन रीजंस क्या होते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, इस सबसे पहला फूड, है ना, क्योंकि हमें हमारे नेचर से फूड मिलता है ना, हमारे इकोसिस्टम से फूड मिलते हैं, फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, फायरवुड, फाइबर्स, टिम्बर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, ड्रग्स, ड्रग्स इन द सेंस दवाइयाँ वगैरह, ओके. सो ये जो है ये हमें कहाँ से मिलता है बेटा, इकोसिस्टम से मिलता है, ये हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है, कैसा होता है कि हमें ये हमारे नज़र में आता है कि हमारे इकोसिस्टम से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है. ठीक है, और इसके वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें चीज़ों को बचाना तो पड़ेगा, वरना ये कहाँ से मिलेगी हमारे, हमारी ये तो जीने के लिए इसेंशियल चीज़ें हैं, राइट. सो ये कहाँ से मिलेंगी, दैट इज़ वाई वी नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एनी प्रॉब्लम बेटा, अच्छा आई एम नॉट गेटिंग योर कमेंट, ओके ओके गौरव, शायद मेरा लेक्चर कुछ ज्यादा ही लेट चल रहा है यूट्यूब पे लाइव से. ओके, सो टॉकिंग अबाउट ब्रॉडली यूटिलरियन, ओके, ब्रॉडली यूटिलरियन, यूटिलरियन इन द सेंस मेन बेसिकली प्रैक्टिकल रीजन. ठीक है, प्रैक्टिकल रीजन कि क्या जरूरत है, ठीक है, दैट इज प्रैक्टिकल रीजन. Broadly utilitarian reason is that कि हमें हमें पता नहीं चलता है, बट हमारे जो ecosystem से हमें क्या मिलता है, हम oxygen, ना, जिसपे हम totally हम हमारे plants पे depend है. ठीक है, completely dependent on plants, plants ही नहीं रहेंगे तो हमारी भी species extinct होने को ज़्यादा time नहीं लगेगा. ठीक है, we completely depend on oxygen, for oxygen on plant, right. तो हमें oxygen मिलता है. ठीक है, see यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगेन पॉलिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, है ना, पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स कैसे बनेंगे, पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे बनेंगे, सीड कैसे बनेगी, खाना कहाँ से मिलेगा. देन क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड एंड एरोजन, राइट, फ्लड एंड एरोजन, फ्लड से भी तो हमारे, जब हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स होते हैं हमारे सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, दैट प्रिवेंट्स फ्लड एंड सॉइल इरोजन. ठीक है,
न्यूट्रिएंट साइकल्स, माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ, माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल वेस्ट कंट्रोल, एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक यानी आस्था है ना, कुछ कुछ तो कुछ कुछ होता है ना, जैसे पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ नहीं काटते हैं क्योंकि उनसे हमें आस्था होती है, हमें ऐसा लगता है हाँ हमारे भगवान बसते हैं, दैट इज एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, दैट इज एस्थेटिक वैल्यू। उसके वजह से बहुत सारी ये सारी चीजें हमारे बायोडाइवर्सिटी से हमें मिलती है, राइट, सारी चीजें हमारे बायोडाइवर्सिटी में हमें दिखाई जाती, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एथिकल रीजन है ना, जैसे कि आपके बच्चे हो जाएंगे आगे चल के, उनको भी तो एक अच्छी हरी भरी अर्थ मिलनी चाहिए, राइट, तो दैट इज एथिकल रीजंस। इन सारी चीजों की वजह से हमें इम्पॉर्टेंट होता है बेटा कि हमें नेचर को कंजर्व करना है, ठीक है, और वो एक हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ऐसा वाला कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज सफर तो सबको साथ में करना पड़ेगा, राइट, क्यों गौरव इतनी क्यों हंसी आ रही है। सो नाउ सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है ना, एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, सो द IUCN इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉर्गिस स्विट्जरलैंड में, राइट। नाउ दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं एंड एक हाथ क्वेश्चन आ ही जाता है, ये क्या करते हैं एक रेड डेटा बुक बताते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से प्लांट्स और कौन से स्पीशीज जो है बाल ब्रह्मचारी, देखती हूँ कितने तक दिन तक बाल ब्रह्मचारी रहता है गौरव, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। सो वो रेड डेटा बुक में क्या प्रोवाइड करते हैं कि हमारे एनिमल और प्लांट कितने डेंजर में है, ठीक है, तो उनकी कुछ कैटेगरीज होती है, हाँ एग्जैक्टली नेहा, वो लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है और सबसे पहले गौरव पे ही दिखाई दे रहा है, क्लास प्रिफेक्ट पे ना, रेड लिस्ट की कैटेगरी होती है, राइट, रेड लिस्ट की कैटेगरी सबसे पहले देखते हैं हम एक्सटिंक्ट, ठीक है, कि जैसे हमारे होते हैं कि जो पता ही है हमें कि उसका लास्ट इंडिविजुअल एक बचा था एंड इवन दैट ऑल्सो डाइड, कि वी डोंट हैव एनीथिंग अबाउट दैट, तो दीज आर एक्सटिंक्ट एनिमल, फॉर एग्जाम्पल डोडो, दिस एग्जाम्पल एंड दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एटलीस्ट यू मस्ट नो कि एक्सटिंक्ट कौन से हो चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा बहुत याद रखो। देन देयर कम्स एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो हमें वाइल्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, दैट इज अवर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, जो हाई रिस्क फेस कर रहे हैं कि अभी एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे, जस्ट अभी 10 साल रुको बस वो ही खत्म होने वाले हैं, दैट इज अवर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट, लाइक दैट इज पिगी हॉग होता है, पिगमी हॉग नहीं होता है, ठीक है, सस सल्वानियस, अगेन दिस बारबेरीज, दिस एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, रियली दिस आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, आप इनका एक होमवर्क है आपको ये सारे स्पीशीज के निकल आप फोटोज देखना, राइट, देन एंडेंजर्ड स्पीशीज क्रिटिकली नहीं होते हैं लेकिन लाइक जैसे ये अभी आगे 10 साल में अगर एक्सटिंक्ट होने वाले हो तो इनको 50 साल लग ही जाएंगे एक्सटिंक्ट होने के लिए, तो दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट, दिस आर मैडागास्कर वाली मूवी देखी है किसी ने, ठीक है, ये हमारे आइस एज वाली मूवी, ब्लू व्हेल, रेड पांडा है ना, सो दीज आर अवर एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट, एंडेंजर्ड इन द सेंस क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है और बट हो जाएंगे वो, राइट, देन वल्नरेबल नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड भी नहीं है लेकिन कुछ सालों में एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत है उनके, कुछ सालों में लाइक अराउंड 100 ईयर्स पकड़ ले, अभी ये फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, सो दिस इज वल्नरेबल। नाउ पिछले साल भी था ना, ये तो हर साल रहता है, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इनको कुछ भी नहीं, ये चेंज भी नहीं होने वाले और ये रहेंगे, लाइक अवर ब्लैक बग्स,
ठीक है, एक डियर होता है ब्लैक डियर कलर, ब्लैक कलर के डियर्स होते हैं वो, दीज आर वेरी वल्नरेबल एंड ऑन द एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है ये बिल्कुल हमारे, राइट. फिर कुछ होते हैं जो लोअर रिस्क पे होते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा लोअर रिस्क. कुछ होते हैं जिनके डेटा ही नहीं है हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है. कुछ होते हैं जो इवैल्यूएट नहीं किए गए हैं, और कुछ स्पीशीज होते हैं जो कि बहुत रेयर है, ठीक है. तो दिस आर रेड लिस्ट की कैटेगरीज, राइट. दिस आर रेड लिस्ट की कैटेगरीज जिसके वजह से हमें वो रेड डेटा लिस्ट या रेड लिस्ट हमें पता चलती है, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी स्पीशीज डाइवर्सिटी में है, कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली, किसको कंजर्व करने की जरूरत पड़ने वाली है, एंड ऑल एवरीथिंग. नाउ फेवरेट टॉपिक ऑफ योर्स जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, दैट इज स्पेशली श्याम का है ना, श्याम इन सीतु कंजर्वेशन एंड एक्स सीतु कंजर्वेशन बोला था मैम, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा इन सीतु और एक्स सीतु. यस, बायो उतना ही है, बस हर साल डेप्थ में जाता है. अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये चैप्टर आप एक तो 10 पेज में भी कंप्लीट कर सकते हो, या इसे खींच के आपको आप एक बुक भी लिख सकते हो पूरी ये चैप्टर्स पे, राइट. दिस इज दैट डीप. हमें हमारे एनसीईआरटी से मतलब रखना है ना, हमें हमारे नीट से मतलब रखना है, इतना डेप्थ में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है. जितने काम के है उतने हम पढ़ेंगे. हाँ, ये मैं पढ़ भी रही थी तो मुझे शाम की याद आ गई. Now, conservation of biodiversity. तो हम conservation कैसे करते हैं? Conservation कैसे करते हैं? दो types के conservation है, एक in situ conservation और एक ex situ conservation, है ना? In situ यानी कि उनका habitat, natural habitat के अंदर की बात अगर कर रहे हैं, natural habitat में अगर हम उसे conserve कर रहे हैं तो that is in situ conservation. अगर natural habitat से निकाल के, अभी ये गढ़चिरौली है ठीक है, यहाँ पे हमारे एक स्पीशीज है लाइक गौरव, एक स्पीशीज है, हमें हमें उसे कंजर्व करना है, ठीक है, हमें उसे कंजर्व करना है. अगर हम उसके घर में ही उसे कंजर्व कर रहे हैं, उसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन. लेकिन हम गौरव को गढ़चिरौली से नागपुर भेज रहे हैं वहाँ कंजर्व करने के लिए, किसी म्यूजियम में या किसी पार्क में कंजर्व करने के लिए, तो दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. That is ex situ conservation. Dinosaur कहाँ से आ गया? So, ये एक flow chart है, ये हमने already पढ़ा हुआ है. There is nothing new here. बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि कौन से हमारे species कहाँ कहाँ important, ये table मैंने आपको दिया है, ठीक है. वो table आप एक बार देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाइल्ड लाइफ नेचुरल क्या नेचुरल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से है, कहाँ है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ना टॉकिंग अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन में हमारे आएंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रूव्स. सैक्रेड ग्रूव्स यानी ऐसी कुछ पैचेस होते हैं फॉरेस्ट में या फिर कहीं भी, तो उसे हम उसे बोलते हैं ना, मान्यता मिली होती है किसी, जैसे अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे एक ट्राइबल एरिया रह रहा है, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये वाला एक पर्टिकुलर एरिया ये उनके किसी भगवान से रिलेटेड हो या जिसे जिसे वो पूजते हो, ऐसा काइंड ऑफ हो, तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे, ठीक है. दैट इज वन काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दैट इज सैक्रेड ग्रुप्स की बात हो रही है, कम्युनिटीज. हाँ, सेफ किया जाना रहा, हिंदी मराठी मिक्स. ये वीडियो यूट्यूब पे है, हमारा गढ़चिरौली का बड़ा प्रमोशन हो रहा है. सो अब एक चीज मैं बताती हूँ तुमको, सबसे इजी चीज क्या होती है कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, इसका बेसिक डिफरेंस क्या है मैं बात करेंगे, ठीक है. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, मेरा शॉर्टकट समझ में आ रहा है ना, बोल के ही लिख रही हूँ मैं. टॉकिंग अबाउट कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है, ठीक है, दैट इज वेरी लेस रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे बहुत कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं,
ठीक है, ज्यादा ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप जा सकते हो वहां से, चीजें ले सकते हो, कुछ भी, इवन ह्यूमन कैन गो देयर एंड कल्टीवेट द लैंड ऑल्सो, राइट। नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज वेरी हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वेयर एज नेशनल पार्क इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया। मैं आप दोनों के बीच में नहीं पढ़ूंगी नेहा एंड गौरव। गौरव जब भी आता है एक तो धनंजय से लड़ाई करते रहता है, नेहा से लड़ाई करते रहता है, पता नहीं लड़ाई क्यों करते रहता है हमेशा, ठीक है। सो नेशनल पार्क में बेटा ग्रेजिंग अलाउड नहीं रहती है, ठीक है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं रहती है, एग्रीकल्चर नहीं अलाउड रहता है, ठीक है। वहां से कोई प्रोडक्ट लेके जाना यानी हमारे कुछ भी अलाउड नहीं रहता है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमें यूज के लिए लेके जाना वहां से, वो एरिया से बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है आपको, ठीक है। अगेन ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, वहां पे प्राइवेट लोग भी कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, किसी उनका कुछ किसी का कोई लेन देन ही नहीं रहता है, दैट इज वेरी हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सब चलता है, ग्रेजिंग चलता है, एग्रीकल्चर चलता है, प्राइवेट ओनरशिप चलती है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चलती है, ठीक है। नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि नेशनल पार्क में, ठीक है, बोथ फ्लोरा एंड फौना इज प्रिजर्व्ड, ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड, राइट। वेयर एज हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ फौना प्रोटेक्ट किए जाते हैं, सिर्फ फौना यानी कि एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक एनिमल प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है। बात करेंगे हम हमारे बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इन दोनों से ये इसमें मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ज्यादा भी नहीं होते हैं, कम भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो दैट इज मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, सो दैट इज मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन टॉक अबाउट। यहाँ फ्लोरा, यहाँ क्या होता है, यहाँ एंटायर बायोडाइवर्सिटी, एंटायर वो पर्टिकुलर एरिया की पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, एंटायर हमारे पूरे वो जो एरिया है, ठीक है, उसकी जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है, हर एक चीज उसको हमने कंजर्व किया है, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इतना ओके है, है ना? ओके, सुनने लायक ही टॉपिक है, बस उतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सिटू कंजर्वेशन, यू ऑल नो बॉटनिकल गार्डन्स, राइट, जू गार्डन्स, एक्वेरियम, दिस ऑल यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑफ साइट कलेक्शन एंड इन साइट कलेक्शन, ठीक है, ऑफ साइट कलेक्शन की हम बात करते हैं, लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑफ साइट कलेक्शन, है ना, दिस इज ऑफ साइट कलेक्शन। रुक जा गौरव, इतने जल्दी चैप्टर खत्म करूंगी क्या मैं, इतनी भी बुरी नहीं हूं। अरे नहीं बाबा, चैप्टर खत्म होने का है, वेट, टाइम है। सो दिस इज ऑफ साइट कलेक्शन, राइट। ऑफ साइट कलेक्शन में क्या होता है, लाइव हमारे जो डोमेस्टिकल स्पीशीज है वो कलेक्ट किए जाते हैं, दैट इज ऑफ साइट कलेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, मैंने बहुत सारा लिखा के दिया था आपको, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर ठंडी जगह पे हम किसी जीन पोलन या फिर किसी सीड को प्रिजर्व करते हैं, राइट, इन अ लिक्विड नाइट्रोजन, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते, दैट इज अवर क्रायो प्रिजर्वेशन। आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये हुआ है पूरा, ए नौटंकी। नाउ देयर इज ऑफ एक जीन बैंक होता है हमारा, ठीक है, जहां हम जीन्स प्रिजर्व करते हैं, दिस इज ऑल ऑफ साइट, सॉरी एक्सिटू कंजर्वेशन, राइट, दिस इज ऑल, यस श्याम, लिक्विड नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ टेम्परेचर भी बताया था मैंने, समथिंग 196 माइनस 196 डिग्री सेल्सियस, है ना, माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे हम प्रिजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में। हम कहाँ पढ़े थे हमने ये, हम पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे, वायबिलिटी, है ना, उनकी वायबिलिटी के लिए,
ना जीन बैंक की बात करेंगे तो जीन बैंक हमारा क्या होता है बेटा, वहाँ हम जीन्स को प्रिजर्व करते हैं, राइट। जीन बैंक इज जीन को प्रिजर्व करते हैं, सीड बैंक इज सीड को, -196 होता है आई गेस, शाम, ठीक है। तो जीन सीड बैंक में सीड को प्रिजर्व करते हैं हम, राइट। दिस आर ऑल आर एक्सीटू कंजर्वेशन। टिश्यू कल्चर होता है, दैट इज ऑल्सो एक्सीटू कंजर्वेशन अगेन। टिश्यू कल्चर, अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बेटा, मेरे कॉलेज में हमसे करवाते थे, दैट इज वेरी रिस्की, यानी एक भी अगर थोड़ा सा भी माइक्रोब इधर का उधर चले गया ना, बस हो गया है, सब सत्यानाश हो जाता है प्रैक्टिकल का। ओके, सो दिस इज आर एक्सिटू एंड इनसिटू कंजर्वेशन, वी आर लर्निंग दिस फॉर सेकेंड टाइम, राइट। लिविंग वर्ल्ड में हो गया है ये, सी अगेन वही एक्सिटू एंड इनसिटू कंजर्वेशन टॉकिंग अबाउट। अच्छा, दिस इज अ रीडेबल पोर्शन, राइट, यू कैन रीड दिस, कि इसमें इतने इतने स्पीशीज दिखे गए हैं, इतने इतने प्रोटेक्टेड एरियाज है, दैट इज ऑल रीडेबल। इट इज द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क से हम किसी स्पीशीज या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज अवर इन सिटू कंजर्वेशन, है ना। एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। हमारे इसमें 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखे गए हैं। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल लर्न, है आगे में एक स्लाइड है हॉटस्पॉट की, ठीक है। सो दिस हैव बीन प्रपोज्ड फॉर इंटेंसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स, राइट। हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स, है ना, वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं, श्रीलंका का है वेस्टर्न घाट, हमारे इधर भी वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। हिमालय, इंडो बर्मा, ये इंडियन के रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, हिमालय एंड इंडो बर्मा जो है, ये हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट, सॉरी, रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर WCMC has recognized 37,000 protected areas around the world, ना पूरे overall world में 37,000 protected area है, ठीक है। as of September 2002 India has 581 protected area, ठीक है, जिसमें 89 national parks है और 492 हमारे wildlife sanctuaries है। exactly this is very readable data, ठीक है, this is not a big deal, but you have to read, okay, छोड़ना नहीं है आपको। टॉकिंग अबाउट एक्सिटू कंजर्वेशन, वी ऑलरेडी टॉक्ड, मैंने ऑलरेडी आपको उसी ग्राफ में, सॉरी, लाइन डायग्राम में ही बता दिया था, दैट इज ऑफ साइट कलेक्शन, यानी हमारे बॉटनिकल गार्डन, जू, एक्वेरियम, दैट इज ऑफ साइट कलेक्शन, सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर, हाँ इंग्लिश में था, ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड जीन बैंक्स, एनवायरमेंट में होगा, इंग्लिश में कहाँ से आ गया ये चैप्टर। दिस आर आर एक्सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, outside their natural homes. Now, talking about hotspot, right? Hotspot क्या होता है बेटा? Hotspot ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा rich in diversity होते हैं, ऐसे areas जिसमें diversity बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब hotspot हम किसे बोलेंगे hotspot? हम कुछ factors determine करते हैं कि hotspot कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे उसमें कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत चाहिए, यानी स्पीशीज रिचनेस होना चाहिए हमारे, बहुत सारी स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ये आपके सब कुछ नोट्स में है, ठीक है, लिखो मत आप, मैं जितना बताया कि नोट्स में नहीं है बस उतना ही लिखो। डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है, टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इन द सेंस ऑर्गेनिज्म दैट आर इंडिजीनियस टू अ प्लेस एंड नॉट एंडेमिक, इफ इट इज, जैसे सी, जैसे एंडेमिक का मतलब क्या होता है, दैट इज नेटिव, है ना, नेटिव यानी कि एक प्लेस पे प्रेजेंट है और वो कहीं और हमें नहीं दिखाई देंगे, दैट इज डिग्री ऑफ एंडेमिज्म वी टॉक अबाउट, राइट। देन फिर हम देखेंगे कि वो एक पर्टिकुलर एरिया थ्रेट में है या नहीं, है ना, हमें ये भी तो देखना है, कंजर्व क्यों करेंगे जब वो उसे कोई खतरा ही नहीं है तो हम क्यों कंजर्व करेंगे, राइट। तो थ्रेट भी होना चाहिए, उसमें बहुत सारी स्पीशीज है,
ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि नेटिव स्पीशीज है और वो कहीं और पाई नहीं जा रही है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना. फिर हम देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है, यानी सेल्फिशनेस की वजह से कोई उसका फायदा उठा रहा है वहाँ की स्पीशीज का या वो एरिया का, तो एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है हम वो देखेंगे. सो ये सारी चीजें हम, ये सारी फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को हम कब हॉटस्पॉट बनाएंगे. ठीक है, सो किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स. ओके, अगेन आई एम टेलिंग कि जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उनके नाम हमें इकोलॉजी या फिर हमारे जेनेटिक्स में से ज्यादा पूछे जाते हैं. तो जब भी इकोलॉजी या फिर जेनेटिक्स की बात आती है तो आपको प्रोफेसर्स के नाम स्टार मार्क करके रख दो आप, सीरियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इन्होंने डेवलप किया था हॉटस्पॉट का कंसेप्ट 1988 में, राइट. ओवर द वर्ल्ड 35 टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट हमें देखने मिलते हैं. ठीक है, द हॉटस्पॉट टुगेदर ऑक्यूपाई 1.4% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया. बायो इज ऑल अबाउट लर्निंग, ये सबकी मेमोरी पावर चेक करते हैं. लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इन रिलेटिंग, है ना, इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड और एनवायरमेंट टॉकिंग अबाउट. ठीक है, इंटरैक्शन की ही बात है हमारी बायोलॉजी. In which we can't connect our Wi-Fi? Okay. Hotspots. Oh, great. I got the joke. ठीक है. Talking about India, है ना, हमारे पास 2 हमारे इंडिया में, that is Western Ghats and Eastern Himalayas, right? These are two in our India, right? We are talking about what hotspots. Right, these areas show high degree of endemism and are inhibited by a wide variety of flowering plants. Swallow-tailed butterflies होती है यहाँ हमें देखने मिलते हैं, जो यहीं देखने मिलती है. Amphibians, reptiles and mammals कुछ particulars होते हैं जो हमें कहीं और देखने नहीं मिलते हैं. तो that is Western Ghats and Eastern Himalaya. ठीक है, trip पे जाना कभी घर वालों के साथ, अभी college वालों के साथ बोल तो नहीं सकती मैं because कोरोना चल रहा है, but जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोग जाना trip पे Western Ghats देखने, बहुत प्यारी जगह है. इनफैक्ट फोटोज देखोगे तभी भी इट इज वेरी 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 नाइस. ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सम सरप्राइज फॉर यू, राइट. सो इट्स टाइम. अच्छा, बेसिकली एक और चीज ये है कि हमारा चैप्टर ये पढ़ने का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी, हम हमारे ह्यूमंस के वजह से हमने कितना कुछ इतना खो दिया है कि इतनी सारी स्पीशीज थी, कितनी सारी लॉस हो चुकी है हमारी. वी आर स्टडिंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, राइट. सो हमारा काम यह है बेटा कि कैसे अभी आप और हम लोग फ्यूचर है ना, हमारे इंडिया के फ्यूचर है, हमारे वर्ल्ड के फ्यूचर है. तो हमारा काम है बेटा कि हम कंजर्व करें, हम एक छोटी सी छोटी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखें. ठीक है, पानी पानी बचाए हम, या पेड़ों को तोड़ना ओढ़ना, ये सारी चीज़ें हमने नहीं करनी चाहिए. ठीक है, हमें दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करना है कि वी आर नॉट लाइक दैट, है ना. सो बेसिकली दिस इज वॉट वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर, राइट. और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, हम तो नीट के लिए भी पढ़ रहे हैं. सो द सरप्राइज इज बेटा द चैप्टर इज ओवर, राइट. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, दैट इज शॉक सरप्राइज वॉट एवर. सो द चैप्टर इज ओवर. कैसा लगा गौरव के रिएक्शन देखने हैं. ओके, बेसिकली हंस तो लगा ना. हाँ, मुझे लगा ही था. अच्छा है ये सरप्राइज आपके लिए. सो क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे चीजें याद करनी है, राइट. एक बहुत सारे टेबल्स है वो आपको याद करने हैं, जैसे कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ देखा जाता है, कौन सी चीज कहाँ मिलती है. दैट इज अप टू यू बेटा, वो आप ही को पढ़ना पड़ेगा. मैं यहाँ बता भी दूंगी, देन ऑल्सो यू वॉन्ट बी रिमेम्बरिंग. ओके, अच्छा किसी के पास नोट्स. अच्छा, मैं करेक्शन भेजती हूँ आपको, मैं करेक्ट करके ही नोट्स भेजती हूँ मैं आपको. ठीक है, अच्छा लगा ना, पूरा एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर दिया हमने. चल, अच्छा इसके बाद का एक चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज करके, वो एक लेते हैं, फिर हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, एक वीक हम लोग टेस्ट ले लेंगे. स्टेट का कौन सा लेसन है मैम, ये स्टेट का लास्ट के 3 चैप्टर्स है बेटा. ठीक है, लास्ट के 3 चैप्टर्स है. ठीक है, मैं एक्चुअली स्टेट के सिलेबस के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, बिकॉज सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सॉल्टेड है हमारी एनसीईआरटी,
ठीक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है उन्होंने, टॉपिक्स सब टॉपिक्स अच्छे से दिए हुए हैं, तो वो मैं उसके हिसाब से थोड़ा चल रही हूँ। और जैसे हम नीट कवर कर रहे हैं तो स्टेट तो उसमें कवर हो ही जाता है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ऑन स्टेट बोर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट नीट ओनली हियर, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अरे बाय बाय।